हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम सुबोध एंग्लो ओरिएंटल स्कूल और आज हम ग्रामर टॉपिक डायरेक्ट स्पीच का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इसको कन्वर्ट करने के रूल्स हमने चालू कर लिए थे। तो रूल नंबर फर्स्ट और सेकेंड में जो 8 पार्ट थे ना चेंज करने के, कि पास्ट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। और उसके बाद दूसरी जो फॉर्म आती है वो कैसे चेंज होती है, और अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आती है तो वो कैसे चेंज होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम नेक्स्ट रूल नंबर 9 पढ़ेंगे। यूनिवर्सल फैक्ट और हिस्टोरिकल ट्रूथ इज नॉट चेंज नो मैटर द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट। अब जो यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल ट्रूथ्स होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं, चाहे आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट भी होगी तो भी चेंज नहीं होगा, है ना। जो बातें जो यूनिवर्सल फैक्ट क्या होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो चीज़ें हो चुकी हैं जिनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है ना। डायरेक्ट क्या है, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमेशा ईस्ट में ही उगता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते और ये चेंज हो नहीं सकता ना, तो ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो जब यूनिवर्सल फैक्ट आपके किस में आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, तो आपको उसको चेंज नहीं करना है। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसा कि ऐसा आप लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थर्ड हम पढ़ेंगे रूल्स टू चेंज इन प्रोनाउन। अभी तक तो हमने सारे नाउन ही देखे हैं ना, अब अगर प्रोनाउन आते हैं ना, नाउन की जगह अगर प्रोनाउन आ रहे हैं तो उनमें हम कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होगा, यानी आई वी माई अवर मी अस, इस चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पर्सन ऑफ़ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखिए कैसे होगा, इसको हम देख लेते हैं। डायरेक्ट हमारा है ही सेड, ही सेड आई एम रीडिंग माय बुक। देखिए यहाँ जो बोल रहा है ना स्पीकर है ना, वो खुद के बारे में बता रहा है, ही सेड, ये ध्यान रखना आप, है ना, वो खुद के बारे में बता रहा है। ही सेड आई एम रीडिंग माय बुक, तो जब खुद के बारे में बता रहा है तो आप यहाँ ही है, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या लगाना है, चेंज करना है। तो देखिए इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही के साथ हम वॉज लगाएंगे, जो इज एम आर है वो वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है ना, ये वही फॉर्म है। और रीडिंग का रीडिंग, अब माई की जगह क्या हो जाएगा, माई का हम ही इज कर लेंगे, ही इज बुक, तो ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग हिज बुक। अब ये नेक्स्ट पर्सन बोल रहा है, इनडायरेक्ट है, उसने डायरेक्टली खुद बोला है, अब इनडायरेक्टली जैसे मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, सीता सेड आई रोट अ लेटर टू माई फादर, सीता ने क्या कहा है कि मैंने लेटर लिखा अपने फादर को, तो इसको हम कैसे करेंगे, सीता सेड दैट, अब सीता है तो हम सीता के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, शी रोट अ लेटर टू माई का जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा हर में हर फादर। देखिए यहाँ माई हीज में कन्वर्ट हुआ है बिकॉज जो हमारा नाउन था वो मेल था, तो हमने इसको हीज, है ना, ही का हीज में हुआ है, लेकिन यहाँ हमारी शी है, गर्ल है, तो हमने हर में कन्वर्ट किया है, ये ध्यान रखना आपको, है ना। नेक्स्ट देखिए, टेंस तो हमने जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे, जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग टेंस चेंज हो जाएंगे। द बॉयज सेड वी प्ले अ मैच, द बॉयज सेड वी प्ले अ मैच, है ना, तो ये कैसे चेंज होगा, द बॉयज सेड दैट, बॉयज़ हैं ज़्यादा है तो दे यूज़ कर लिया हमने, दे प्लेड अ मैच, ओके, थर्ड फॉर्म लगाकर हमने क्या कर लिया, आगे का ऑब्जेक्ट लिख लिया, तो इस तरीके से चेंज होगा। अब ये चेंज कैसे हुआ है थोड़ा सा हम देख लेते हैं नोट में। इन सेंटेंस फर्स्ट आई एंड माई आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई और माई जो थे ना यहाँ पर सेंटेंस में, आई और माई ये कौन से थे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन थे, एंड हेंस दिस आर चेंज टू ही और हीज, इसीलिए किस में चेंज हो गए, ही और हीज में, ड्यू टू द सब्जेक्ट ही ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, किसके कारण, ये जो ही था इसके कारण, यानी आपको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देख के इसके अंदर जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है तो
उसको आपको क्या करना है, चेंज करना है. अदरवाइज इन सेंटेंस सेकंड, सेकंड सेंटेंस में देखिए, आई एंड माई आर चेंज्ड इनटू शी और हर ड्यू टू द सब्जेक्ट ऑफ सीता इन द हेल्पिंग या रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब में सीता था, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया था, शी और हर यूज़ किया था. और सेंटेंस थर्ड में क्या हुआ है, वी इज चेंज्ड इनटू दे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट द बॉयज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. और हमने यहाँ पर वी का दे क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो था वो क्या था, द बॉयज था, इसीलिए हमने वहाँ पर. तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें हम सब्जेक्ट जो है इनके अकॉर्डिंग यहाँ अंदर चेंज करेंगे. अगर प्रोनाउन है तो नेक्स्ट रूल जो है हमारा सेकंड रूल, हमने फर्स्ट पर्सन के लिए पढ़ाया अभी, है ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं. अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो कैसे चेंज होंगे, द सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू योर यू ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गए, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारे इन्वाइटेड के बाहर वाली होती है और इसका ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा इसके अंदर. देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, डायरेक्ट है, ही सेड टू मी यू वर्क वेरी हार्ड. यू देखिए किसका है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है. और हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ही तो सब्जेक्ट है, सेड टू है ना वर्ब है, और जो मी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू मी, है ना, मी के अकॉर्डिंग आपका जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा. तो मी का हमने पहले भी पढ़ा है कि मी किस में चेंज होता है, आई में चेंज होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बनानी ही है. ही सेड टू का हमें पता है क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा. ही टोल्ड मी दैट, और क्या बन गया, आई बन गया यू का, आई वर्कड वेरी हार्ड. तो इस तरीके से चेंज करना है. अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट है, आई सेड टू हिम, हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट चेंज होगा. सेड टू का हो गया टोल्ड, आई टोल्ड हिम दैट, हिम का हीज होता है इसलिए हीज लिखा है यहाँ पर. हीज शर्ट वॉज वेरी, अब देखिए सेंटेंस हमारा पास्ट में कन्वर्ट होगा, है ना, इसीलिए हमने वॉज लगाया है, वॉज वेरी वाइट. प्रेजेंट सिंपल का पास सिंपल में हो जाएगा ना, सिंपल सा सेंटेंस. अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्या क्या हुआ है या नोट दे रखा है. इन सेंटेंस फर्स्ट द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच यू बिकम्स आई अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट मी, है ना, क्यों, ऑब्जेक्ट इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में मी था इसीलिए सब्जेक्ट यू का हमने आई कर दिया. ऐसे ही नीचे दोनों में भी चेंज हुआ है, ये सेम लिखा हुआ है ना कि कैसे हमने चेंज किया है. यहाँ पर एक देखिए आप डी वाली चीज़ देखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन इन रिपोर्टिंग वर्ब द वर्ब सेट टू इज कन्वर्टेड इन टू टोल्ड एंड टू इज नॉट एडेड इन आफ्टर टोल्ड, है ना, ये तो हमें पता चल गया कि सेट टू जो है वो किस में चेंज हो रही है, टोल्ड में, है ना, और उसके आगे आप टू नहीं लगाएंगे. और जो नेक्स्ट रूल है हमारा, रूल नंबर थर्ड, वो क्या है वो हम देख लेते हैं. No change is required if the subject or object of the reported speech is the third person pronoun. अगर आपका subject और object third person pronoun है तो वहाँ पर आपको कुछ भी change नहीं करना है. देखिए subject direct में you said, he is wise, he आना है, third person pronoun है, तो आपको कुछ change नहीं करना है. You said that he was wise. ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा तो आपको चेंज नहीं करना है. रूल नंबर फोर्थ देखिए, द वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस ऑफ टाइम और डिस्टेंस आर चेंज्ड इनटू वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. अब जो क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होंगे जो क्या इंडिकेट करते हैं, नियरनेस ऑफ टाइम, टाइम जो आपके पास होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर आपको क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो भी चेंज होंगे इनटू वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. किस में चेंज होंगे, दूसरे जो वर्ड डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनमें चेंज होंगे. देखिए कैसे चेंज होता है, जैसे हियर पास है ना, नियरनेस बता रहा है, हियर से क्या पता चलता है कि पास में है, तो उसका हम डिस्टेंस में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस वाली फॉर्म हो जाएगी देयर, हियर देयर. दिस पास के लिए हम यूज़ करते हैं कि दिस इज़ माई बुक, अगर मेरे पास में है, दैट इज़ योर बुक, है ना, तो दैट दिस का किस में चेंज हो जाएगा, दैट. ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपने पहले क्लास में पढ़ी है, दीज का दोज, नाउ का देन, नेक्स्ट है अगो का बिफोर,
द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, नाइट, मंथ, ईयर, नाइट, मंथ, ईयर, ना मतलब कि इसके साथ है ना, क्या आ जाएगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट नाइट, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, तो द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग नाइट, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग मंथ. अब टाइम को कैसे चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, द लास्ट नाइट, डे, मंथ और ईयर को हम द प्रीवियस नाइट, डे, मंथ, ईयर में चेंज करते हैं. तो ये टेबल आपको याद रखनी है चेंज करने की, इंटरचेंज कैसे होता है. अब इसके एग्जांपल भी हम दे, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, यू सेड टू मी आई एम प्लेइंग नाउ. नाउ देखिए, नाउ आ रहा है तो कैसे चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें भी चेंज होगी है ना, आपको सिर्फ एक एक रूल अलग अलग बताया जा रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज़ें चेंज नहीं हो रही, दूसरी भी चेंज होगी. जैसे कि देखिए, यू का यू, सेड टू का हमने टोल्ड कर दिया, मी दैट, यू चेंज हो गया, और एम का वर में, प्लेइंग, नाउ का देन. तो इस तरीके से आपको सेंटेंस में चेंज करना है. द टीचर सेड टू मी आई नो दिस बॉय है ना, आई नो दिस बॉय. तो यहाँ देखिए, द टीचर सेड की जगह टोल्ड मी दैट ही नोज. देखिए यहाँ पर जो यू और ही है ना, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुए, ये आपको ध्यान रखना है ना. और न्यू दैट बॉय, तो ये हमने किसमें देख लिया, देखो दिस बॉय को दैट बॉय किया है ना, ये ध्यान रखना है आपको, दिस को दैट में कन्वर्ट किया है. तो जो नियरनेस थी ना, उसको फारनेस में कन्वर्ट किया है. तो ये हमारे हो गए कुछ एग्जांपल. अब हम नेक्स्ट में देखेंगे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं.